11 मिनट्स का होगा भाई वो वीडियो अपलोड होने प्रॉब्लम राइट इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 ईयर्स हो जाते हैं फाइन या तो भी 1 लाख फाइन होता या फिर दोनों भी ना नेक्स्ट ओ से क्या है बोले तो 1 मंथ आफ्टर डिक्लेरेशन 1 मंथ आफ्टर डिक्लेरेशन ये क्या है एक बार बोनस डिक्लेरेशन करने के बाद में हाँ डिक्लेयर हो गया बोनस आ गया तुम लोगों को दे दे 1 महीना हो गया 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए बोनस ही नहीं आ रहा अगला साल आ गया बोनस नहीं आ रहा मतलब बोनस डिक्लेयर करके फायदा क्या तो इमीडिएटली बोनस डिक्लेयर होने के 1 मंथ के बाद में पैसे आ जाना तो 1 मंथ के बाद में डिक्लेरेशन होने के बाद विद इन 1 मंथ वो पैसे वो बोनस मिल जाना दैट इज द थिंग नाउ एंड से ये जितना भी बोनस वगैरह सब डिक्लेयर ये सब डिसाइड हो रहा ना किसके ऊपर होता नेट प्रॉफिट के ऊपर डिसाइड नेट प्रॉफिट अभी नेट प्रॉफिट क्या है बोल तो जैसे कि बोला कंपनी को 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया तो 1 लाख रुपए के ऊपर पूरे बोनस दे देने का है नहीं पहले 1 लाख में से उस इंडस्ट्री का रेंट ट्रैवल अलाउंसेस या फिर वो व्हीकल मेंटेनेंस देन लोन्स के कुछ जाने के पैसे हैं इंटरेस्ट है या टैक्सेस वो सब निकाल के ग्रॉस में से तो ग्रॉस प्रॉफिट में से वो चीज़ें निकाल दी एक्सपेंसेस निकाल लेने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता इसके ऊपर बोनस डिक्लेयर इसके ऊपर नेट प्रॉफिट के ऊपर डिक्लेयर होता ठीक है तो ये चीज़ें हैं एफएम डायमेंशन में ये चीज़ें हैं जो बोनस के बारे में लेकिन अब ये बोनस के अंदर कौन कौन आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन किसका होता है पॉज करो वो रब करके राइट नाउ एफएम डायमेंशन के बारे में हो गया ना बोनस के अंदर कौन कौन आते हैं क्या क्या चीज़ें रूल लॉ एप्लीकेबल नाउ नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन कौन एलिजिबल डिस्क्वालिफिकेशन कौन एलिजिबल नहीं है ये बोनस पाने के वास्ते कौन जैसे कि फर्स्ट डेली वेज अर्नर्स क्या मैं बोला ना डेली वेज अर्नर रोज आ रहा रोज का है कि रोज एक दिन काम कर रहा काम करके रोज का रोज तनख्वाह लेके चल जा रहा तो उसको बोनस देने का क्या है तो डेली वेज अर्नर्स को देने की जरूरत नहीं नाउ नेक्स्ट एक्ट ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट कोई ऐसी जलील हरकत कर दिया हो गिरी हुई हरकत कर दिया जिसकी वजह से कंपनी को या तो लॉस हुआ या तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई या फिर उन्हें मिसबिहेव करा तो एक्ट ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट जिसकी वजह से उसके ऊपर कंपनी सस्पेंशन ऑर्डर लगे या सब कुछ हुआ तो समझो वो पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस बोनस नाउ नेक्स्ट नेग्लिजेंसी ऑफ एन एम्प्लॉय लीड्स टू लॉस टू द एम्प्लॉयर नेग्लिजेंसी इसकी एक नेग्लिजेंसी की वजह से कंपनी को लॉस हुआ जैसा मशीन में ऑयल डालने की जगह उन्हें कुछ और केमिकल डाल दिया उससे कि मशीन पूरी खराब हो गई और उसकी सैलरी कितनी 10,000 है बट वो मशीन कितनी है वो तो एक 15-20 लाख की मशीन खराब कर दिया तो वैसे आदमी को वेज क्या देने का है तो नेग्लिजेंसी लीड्स टू लॉस टू द एम्प्लॉयर या फिर लॉस टू द कंपनी नाउ नेक्स्ट क्राइम कंडक्टेड और टर्मिनेटेड कोई क्राइम कर दिया हो समझो कुछ क्राइम कर दिया मर्डर कर दिया या फिर कुछ भी ऐसा कर दिया भाई जैसे कि क्राइम करा जिसकी वजह से उन्हें टर्मिनेट कर दिया उसको तो टर्मिनेट कर दिया तो वैसे आदमी को भी बोनस देने का कुछ नहीं है तो जैसे कि मर्डर करा बोल के क्या भाई कंपनी से किसी को कंपनी के फ़ोन से किसी को भी कॉल करके अननेसेसरी थ्रेट करा हरास करा या फिर कोई लड़कियों को कॉल करके वो सताया तो वो क्राइम है ना वो तो क्राइम कर रहा तो वो बेसिस पे उन्हें टर्मिनेट कर दिया उसको तो उसको बोनस देने का क्या है इसके लिए वो नेक्स्ट
इससे क्या है, और एक क्या है बोले तो कितना क्या क्या होगा, टेलीविजनर्स गेम एक्ट नो नेक्स्ट क्या बचा इसे, एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी डैमेज अब इसमें एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी जैसे कि कोई डैमेज करे क्वांटिटली, जैसे कि विच हमें टेलीफोन फोड़ दिए या फिर कोई ग्लासेस फोड़ दिए, वॉन्टेडली कुछ कर दिए, एम्प्लॉयर की ऐसी कोई हरकत करे जिसकी वजह से एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, ऑब्वियसली उन्हों वो पैसे उसमें से काट लेता और उसको नहीं होता। तो दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशन। तो एफएम डायमेंशन के ऊपर डांस नहीं चलता, इसके लिए डांस जो नहीं चलता दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन। डांस के जितने भी हैं डेली वेजर एक्ट ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट नेग्लिजेंसी क्राइम कंडक्ट या फिर या कंडक्ट क्राइम और टर्मिनेट करे तो या फिर एम्प्लॉयर्स की प्रॉपर्टी डैमेज करना, तो ये चीज़ें करे तो देट ही इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम बोनस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।